आजकल जनता चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है और जब बात व्यवस्थाओं की आती है तो जनता काफी जागरूक है और अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहती है। राजाखेड़ा उपखंड के गांव बाजना में काफी दिनों से स्कूल का काम नहीं किया जा रहा। गांव वालों ने घटिया सामग्री उपयोग में लाने का आरोप लगाया है। ये जमीन गांव के ही निवासी जगदीश पुत्र भवर सिंह ने गांव के बच्चों के भविष्य को देखते हुए 50 लाख की जमीन स्कूल के लिए दान दे दी थी, लेकिन ठेकेदार इस काम को बहुत ही देरी से कर रहे हैं। गांव वालों ने बहुत बार ठेकेदार और अधिकारियों से कहा भी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्कूल प्रधान अध्यापक ने ठेकेदार के प्रति नोटिस भी जारी किया। संवाददाता मनोज राघव ने बाजना गाँव जाकर मौके का मुआयना किया और गाँव के लोगों से इस बारे में जानकारी ली। आइए सुनते हैं इन लोगों ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी इस गांव की कहानी। राघव आर.एन.आर. वर्क न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहां बाजना गांव में आया हूं। आज यहां जो स्कूल का काम चल रहा है तो काफ़ी लोग गांव के यहां इकट्ठे हैं, वो बताएंगे कि इसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है और इसका टेंडर हुए काफ़ी समय हो गया, आज तक इसका काम पूर्ण नहीं किया गया है। यह बिल्डर्स है जो काफ़ी समय, ये भी लोग उनसे कह रहे हैं और अधिकारी लोग भी कह रहे हैं, लेकिन आज तक यह काम पूर्ण नहीं है। तो गांव वाले स्वयं बताएंगे कि इनको इस काम से कितना, स्वयं देख रहे हैं ये लोग कितना घटिया काम किया गया है, वो यही बताएंगे। यहाँ बाजने में स्कूल में काम हो रहा है, सबसे रद्दी मार लगाया जा रहा है, जो कि दीवार में खंडों के बीच में ही भर दी गई है, जो रेत है नदी का रेत है तो घटिया वो लगाया गया है, जिससे पानी थोड़ा सा फूटने पर भी बैठ गया, जो आपके सामने फोटो में है। ये बहुत घटिया है और काम 2 साल का ठेका लगा हुआ है, आज तक इस काम को नहीं पूरा कर रहा है। बार बार शिकायत करने पर कोई सुनता नहीं है और उससे भी बार बार वो कहिए तो कोई वो नहीं करता है। जैसे तैसे तो इस खेत को दूसरे ने दान दिया, दान देने के बाद भी इसको काम को नहीं कर रहे हैं ठेकेदार, या तो इस काम करे या नहीं, इसको रद्द किया जाए साहब। इनका आरोप है कि इसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और समय भी काफ़ी हो गया है, फिर भी यह काम पूर्ण नहीं है, जबकि यह पूरे गांव के छोटे छोटे बच्चों के लिए भविष्य का यह नींव डली हुई है, जो इस तरह देख लो आप, फूट रही है, जो कि किस तरह है, नीचे बहुत नीचे लिया जाता है, वहाँ कोई बढ़िया इस तरह से इस नींव को नहीं लिया गया है। ये कभी आज ही नए काम को स्टार्टिंग करने में ये हाल है, तो ये अभी क्या हाल होगा। तो अभी मैं बात करना चाहूँगा, ये भी बताएंगे कि कितने सारे लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं और फिर भी ये लोग काम बड़े ढंग से नहीं कर रहे हैं। सरपंच साहब बताएंगे, पूर्व सरपंच से जो बाजना गांव से, हमने साहब उससे निवेदन भी किया है, पर्सनल भी किया है, अध्यापक जी से भी, उनसे कई बार कराया गया है, कई बार उन्होंने लेटर भी जारी किए हैं इसके खिलाफ कि आप काम को क्यों नहीं करवा रहे हैं। पानी का यहाँ साधन नहीं है, जो तराई के लिए कोई व्यवस्था नहीं पानी है। मैंने कहा कि तो हो जाएगी, जैसा कि आपको साहब दिख रहा है कि जब नींव ही जा रही है तो ऊपर बिल्डिंग जब खड़ी करेंगे तो ये तो बच्चों के भविष्य के साथ, ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, बच्चों के भविष्य का तो अलग बात है। ये नींव ही ऐसी जगह पर इसने ऊपर से लगाई है कि जिसमें ये हो रहा है, टाइम भी काफ़ी हो गया साहब, शिकायत के बावजूद एक दिन काम चलाता है, एक महीने के लिए बंद रहता है, 6 महीने में साहब 6 दिन काम चला हुआ है। तो इनके आरोप हैं कि ये इसको पूरा नहीं करना चाहता है, जबकि ठेका इसका ले लिया है, तो कम से कम इसका गांव का है, फिर भी ये काम पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो और भी मैं बाबा जी से बात करूंगा, ये भी बताएंगे कि इनको इस देख रहे हैं या रहते हैं मौजूदगी में, तो इनको ये बहुत, मैं भी आया हूँ तो मुझे इसमें, और जो नींव का स्तर नीचे से लिया जाता है ना, वो स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है, तो ये सारा मेरे हिसाब से भी गलत है। क्यों नहीं कर रहा है, ये तो सरकार को जो ढिलाई है, और जहाँ मैं रेत लगा रहा हूँ नदी को है, और रोड़ा डाल रहा हूँ, जहाँ मैं पापा के ईंट के कच्चे रोड़ा है, इनके क्या फायदा मिलेगा, ये तो नींव भी बैठ गई इसकी। और ये इन तीन लोगों को मैंने यहाँ ये बताएंगे साहब जी, ये 2 साल की ये सरिये पे 2 साल पे इस पे जंग आ जाती है, और जंग आ जाती है तो इसका पिलर खड़े करेंगे तो ये सीमेंट कैसे खड़ेगा, तो ये तो सरिया ही करना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को आगे बढ़ाएं, यही इन गांव वालों का कहना है। अब मैं यहां से जाकर के यहां जो विद्यालय के प्रिंसिपल हैं उनको भी पूछूंगा, और मेरी जीएम साहब से भी बात हुई है, वो भी कह रहे थे कि इस पर जल्द ही काम चालू होगा और मैं भी निगरानी रखूंगा, और जो ठेकेदार हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वस्त कहा है कि कल इस पर काम चालू करूँगा, देखते हैं अब इसके बाद
कैसे काम चलाएंगे, ये गांव वालों की निगरानी में रहेगा। मतलब आपके स्कूल में जो काम चल रहा है तो ये इतना विलम्ब क्यों? एक्चुअली ये 2 साल पहले हमें जगदीश जी द्वारा जमीन दान करी गई थी, जिसमें लगभग 50 लाख की जमीन है। विद्यालय के लिए जमीन बिल्कुल, भूमि उपलब्ध नहीं थी। हमने काफ़ी प्रयास किया, मैं 2 साल पहले ही यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद में ये भरत कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसने थोड़ा काम किया तो उसको नोटिस दे करके विथड्रॉ करा दिया, वो यहाँ से फिर हट गए। उसके बाद में दोबारा अभी 8 दिसंबर 2023 को वर्क ऑर्डर दिया गया दोबारा से री टेंडर। इसके बाद भी क्या हुआ है अभी कि उसने थोड़े दिन काम स्टार्ट किया, फिर दोबारा काम बंद हो गया, तो फिर जनवरी में हमने फरवरी में फिर से उनको नोटिस दिया, थोड़े दिन फिर काम चला, और उसके बाद फिर लगभग 1 महीने से काम बंद था अभी। तो अब हमने AEN आए थे यहाँ पे विजिट के लिए, तो उनको भी हमने बताई कि लगभग 1 महीने से कार्य बंद है, तो उन्होंने अब यही बोला है, फिर से एक नोटिस दिया है अभी 24 तारीख को, ये बोला है कि अभी कार्य अगर 7 दिन में नहीं हुआ तो फिर से ये टेंडर विथड्रॉ हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्टर जो उनसे मेरी बात हुई है कई बार, 2-3 बार, वो ये कह रहे हैं कि मुझे जो कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, मजदूर नहीं मिल रहे अभी इस टाइम पे, मजदूर मिलेंगे मैं जल्दी काम शुरू करूँगा, और कल से कार्य करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। सर मैं अभी काफ़ी अभी देख के आया हूँ वहाँ, तो जो घटिया सामग्री उसमें मुझे भी दिखाई दी है, तो जो नींव का नीचे से स्थल लिया जाता है, तो क्या वो JEN चेक करने नहीं आया? नहीं, JEN के 2 या 3 विजिट हुए हैं, अब टेक्निकल काम तो JEN साहब ही बताएंगे। एक्चुअली मैं टेक्निकल नहीं हूँ, मैं एजुकेशन से हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि जो सामग्री है वो जो डली हुई है वो तो ठीक लगती है देखने में, बट वो बता रहे हैं कि डीम में पानी भी थोड़ा आ गया है, तो उसके लिए भी अभी JEN साहब दोबारा आएंगे बोल रहे हैं, दोबारा आएंगे। AEN साहब भी आए थे और उसको मरम्मत करके ठीक करने के लिए कहा गया है अभी। ठीक, और भी प्रयास करें, विद्यालय में काफ़ी उन्नति कर रहे हैं अभी हम लोग। विद्यालय के स्टाफ ने मिलकर के विद्यालय के लिए प्रिंटर दिया है, और एक गांव के और सज्जन हैं जिन्होंने अभी इन्वर्टर भी दान किया है, तो हमारे तो हमेशा सार्थक प्रयास हैं। अगर स्कूल बन जाता तो बच्चों का भविष्य उज्ज्वल ही होता, अच्छी बात होती। थैंक यू, धन्यवाद।